आप देख रहे हैं वाराणसी का लंका चौराहा। ये प्रतिमा पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है, बेचू के जो संस्थापक थे। बेचू का मुख्य द्वार ये है दोस्तों, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। हम आपको लिए चलते हैं बेचू के अंदर दोस्तों। यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हैं यहाँ की रोड। और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है दोस्तों। और ये सीधी रोड जाएगी, जो आगे एक चौराहा पड़ता है वहाँ से एक हॉस्पिटल की ओर जाएगी और एक सीधे चली जाती है हॉस्टल की ओर। ये आप देख रहे हैं ये चौराहा महिला महाविद्यालय चौराहे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बीएचयू का मुख्य द्वार आपको दिखाया दोस्तों। वहाँ से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं तो अपनी रैली की शुरुआत वहीं से करते हैं, और वहीं पे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा है, वहाँ पे माल्यार्पण करते हैं, फिर वहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं रैली की। आपको लिए चल रहे हैं, देखिए बिरला हॉस्टल है, ये सीधे रोड हॉस्टल की ओर जा रही है। और बात करते हैं बीएचयू की स्थापना, बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी दोस्तों, जिसमें बीएचयू में 21,000 लगभग बच्चे पढ़ते हैं और 70 हॉस्टल करीब करीब यहाँ पर। और ये शाम का टाइम है, जिसमें लॉकडाउन होने के कारण कई स्टेट के बच्चे नहीं आए हुए हैं, तो हॉस्टल बंद है, इसलिए कम भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। आप ये चौराहा देख रहे हैं, मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा बैनर लगा हुआ है, और आपको हम लिए चलते हैं अंदर की तरफ। आप देख रहे हैं ये रोड काफ़ी अच्छी है, पेड़ पौधा लगा है, और जो पेड़ लगे हैं ऑक्सीजन जो ज़्यादा देते हैं, जैसे पीपल पाकड़ ऐसे पेड़ काफ़ी यहाँ पे लगे हैं। और बीएचयू के अंदर दोस्तों जैसे पेट्रोल पंप हुआ, हॉस्पिटल हुआ और प्लेग्राउंड, ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर छात्रों का सपना होता है कि वो बीएचयू में शिक्षा प्राप्त करें, काशी के घाटों के बारे में जानें और वहाँ के छात्रावास में रहें, और वहाँ से जब निकलें दोस्तों तो अपना और बीएचयू का नाम रोशन करें दोस्तों। दोस्तों हमने आपको आज दिखाया बीएचयू के मुख्य द्वार से लेके हॉस्टल तक की रोड और वहाँ के नज़ारे, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम दोस्तों मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।